हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त वीके फिर आया हूं दोस्तों नई वीडियो की जानकारी लेकर। तो फ्रेंड्स, हमने आपसे वादा किया था कि हम आपके लिए लाएंगे ओला S1 एयर का कंपैरिजन, ओला S1 एक्स का जो नए वेरिएंट लॉन्च हुए हैं दोस्तों, उसमें से हम दोनों का डिफरेंस बताएंगे और ये बताएंगे दोस्तों कि आपके लिए कौन सी बेहतर रहेगी। दोस्तों, वीडियो आपके सामने हाजिर है, चलिए जानते हैं कि कौन सी इलेक्ट्रिक स्कूटर आपके लिए बेस्ट रहेगी। दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ओला S1 एयर की, क्योंकि सबसे पहले ओला S1 एयर आई थी दोस्तों। अब इसमें एंड ओला S1 एक्स में डिफरेंस आपको यहीं से पता लग जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों बैटरी कैपेसिटी की। तो फ्रेंड्स, ओला S1 एयर में आपको 3 kWh की लिथियम आयन बैटरी मिलेगी जो कि नॉन रिमूवेबल है, आप इसे रिमूव नहीं कर सकते। अब चलते हैं इसके सबसे मुख्य पॉइंट पर, जो कि है दोस्तों इसकी डिस्प्ले, यानी कि ओला S1 एयर में आपको टच स्क्रीन डिस्प्ले मिल जाएगी दोस्तों, जिसमें आपको सारे फंक्शन डिस्प्ले पर ही मिलेंगे। स्क्रीन लॉक का, अनलॉक का, अपनी डिक्की को भी इसकी डिस्प्ले से ही खोल सकते हैं दोस्तों, एंड नेविगेशन सिस्टम एंड बहुत सारे इसमें इसकी डिस्प्ले में आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे जो कि आपको ओला S1 एक्स में नहीं मिलेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों इसमें कितने मोड्स हैं एंड किस मोड पर कितनी रेंज मिलेगी। तो दोस्तों, दोनों ही इलेक्ट्रिक स्कूटर में, ओला S1 एयर में एंड ओला S1 एक्स में, आपको 3 ही मोड मिल रहे हैं, इको मोड, नॉर्मल मोड एंड स्पोर्ट्स मोड। बट ओला S1 एक्स में आपको अलग अलग बैटरी कैपेसिटी का वेरिएंट मिल जा रहे हैं दोस्तों। उसमें आपको 2 kW वाली बैटरी कैपेसिटी मिलेगी, 3 kW वाली बैटरी कैपेसिटी मिलेगी एंड 4 kW वाली बैटरी कैपेसिटी मिलेगी। तो फ्रेंड्स, हम कंपैरिजन अगर 3 kW वाली बैटरी कैपेसिटी से करें तभी हमें एक मेन डिफरेंस पता लगेगा, क्योंकि ओला में 3 kWh की बैटरी कैपेसिटी ही मिलती है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि किस मोड पे कितनी रेंज मिलेगी एंड कितनी टॉप स्पीड मिलेगी। दोस्तों, इसके इको मोड पे आपको रेंज तो 100 से 110 किलोमीटर की मिल जाएगी फुल चार्ज पर, एंड टॉप स्पीड की बात करें तो 42 km/h की आपको इसमें टॉप स्पीड अचीव हो जाती है। इसके नॉर्मल मोड की बात करें तो रेंज आपको मिलेगी 80 से 85 किलोमीटर की फुल चार्ज पर, एंड टॉप स्पीड की बात करें तो 70 km/h की आपको इसमें टॉप स्पीड मिल जाएगी। इसके स्पोर्ट्स मोड की बात करें तो रेंज आपको मिलेगी 60 to 70 km की फुल चार्ज पर, एंड टॉप स्पीड की बात करें तो 91 km तक की ये टॉप स्पीड अचीव कर लेती है। बाकी सब दोस्तों सेम है, बस इसमें डिस्प्ले का ही डिफरेंस आ रहा है। एंड ओला S1 एक्स में आपको एक फिजिकल की मिलती है जो आपको ओला S1 एयर में नहीं मिलती है, क्योंकि ओला S1 एयर में आपको स्क्रीन को अनलॉक, स्कूटर को अनलॉक इसकी स्क्रीन से ही करना होता है। तो ओला S1 एयर में से एंड ओला S1 एक्स में से कौन सी बेस्ट है दोस्तों, उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, ओला S1 एयर में स्क्रीन में ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, स्क्रीन बिल्कुल डेड हो जाती थी, बिल्कुल ब्लैंक हो जाती थी। हमारे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, बहुत सारे लाइव एग्जांपल्स भी मैंने देखे हैं जिसमें स्क्रीन बिल्कुल डेड हो जाती है। तो वो जो मेन समस्या थी वो ही इन्होंने हटा दी, यानी कि अब उन्होंने टच स्क्रीन हटा दी, एक फिजिकल की प्रोवाइड कर दी है ओला S1 एक्स में। तो दोस्तों, अगर हम दोनों का ही सेम बैटरी कैपेसिटी वाला वेरिएंट देखें तो उसमें ओला S1 एक्स वाला वेरिएंट ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू ओला S1 एयर। अब दोस्तों फाइनली बात कर लेते हैं प्राइस की। तो फ्रेंड्स, ओला S1 एयर आपको ऑन रोड पड़ेगा 1,15,000 रुपये का, एंड अगर हम बात करें ओला S1 एक्स जो इनका 3 kW वाला वेरिएंट है दोस्तों, वो आपको इससे बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ने वाला है दोस्तों। वो आपको पड़ेगा 95,000 रुपीज़ का ऑन रोड, तो पूरे 10,000 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। रेंज आपको सेम मिलेगी, बैटरी कैपेसिटी सेम मिलेगी, एंड बैटरी की वारंटी भी दोनों में 8 साल की है दोस्तों। मोड्स भी सेम मिलेंगे, बस उसमें आपको फिजिकल की मिलेगी एंड एयर में आपको टच स्क्रीन की डिस्प्ले मिल जाएगी। ये तो यही इनके में एक मुख्य डिफरेंस है। तो फ्रेंड्स, आपको कौन सी बेहतर लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, एंड कल हम आपके लिए वीडियो लाने वाले हैं दोस्तों बेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर अंडर 70,000। तो मैं आपको top 3 इलेक्ट्रिक स्कूटर बताऊंगा जो इस टाइम 70,000 के अंडर हैं एंड आपको बेस्ट परफॉर्मेंस निकाल के देंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। आज के लिए इतने ही फ्रेंड्स, कल मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।